ओके, और फाइनाइट सेट भी हो गया था, फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों लिख लिया था। यस सर, एम्प्टी सेट्स भी। एम्प्टी भी और सिंगल डबल, ठीक है। तो आज मेरे दो तरीके के सेट और बचते हैं, चलो उसको देख लेते हैं। चलो वेट कर लेते हैं 2 मिनट, ये दोनों लोग भी आ जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम, देखते हैं वो लोग जब तक भी आएंगे। तो हमने उस दिन पढ़े फाइनाइट सेट्स, इनफाइनाइट सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स ही नहीं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स ही है कि आप सेट को फाइनाइट या इनफाइनाइट बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन देम। उसी तरीके से दो तरीके के सेट और, फर्स्ट चार अगर हम लिख चुके थे तो आई थिंक दिस विल बी द फिफ्थ सेट, fifth kind of set, and it is equivalent set. Equivalent sets. Two sets are said to be equivalent अगर उनके number of elements equal है तो। बहुत ही आसान सी condition है। अगर दो सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं तो हम उनको इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे कि आपने लिखा एक सेट ए, इसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, और एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू, ये पहले 5 नेचुरल नंबर्स का सेट है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने होंगे चित्र? कार्डिनल नंबर क्या है? 5. सिमिलरली कार्डिनल नंबर बी का भी 5 है. Yes. हम ये बोल सकते हैं कि एन ए और एन बी दोनों बराबर है. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी आर इक्वल. इट इंप्लाइज दैट ए एंड बी आर इक्विवेलेंट्स. तो सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि कार्डिनल नंबर दोनों का सेम है या नहीं, सिर्फ इस बात से मतलब. वहीं पे फिर एक और कैटेगरी आती है इक्वल सेट्स. इक्वल सेट्स का मतलब बोले तो कि आपका कार्डिनल नंबर तो सेम होना ही होना चाहिए, राइट? ये तो पहली कंडीशन. बट सेट्स के एलिमेंट भी सेम होने चाहिए. If two sets have exactly the same elements, they are said to be equal. They are said to be equal. And we write it as A is equals to B. इस तरीके से हम इसको लिख सकते. We write A is equals to B. जैसे के example देखेंगे. So first example B is A hamara koi set of set is set of letters in the word follow. Fir wahi pe B koi set hai set of letters in the word wolf. चलिए सबसे पहले तो सेट ए लिख के बताऊंगा कुछ इतना कैसे लिखेंगे हम सेट ए. ये कह रहा है जो भी फॉलो के अंदर लेटर्स आ रहे हैं उन सबका सेट है ए. फॉलो के अंदर कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं? सर एफ ओ एल डब्ल्यू. अच्छा दो बार ओ आ रहा है और दो बार एल आ रहा है, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नो सर. कितनी बार लिखना चाहिए मैं ओ को? सिंगल टाइम. सिंगल टाइम. कभी भी लेटर कोई भी चीज रिपीट नहीं करेंगे, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करने का. तो ए का जो सेट बनेगा देख वो भी यही बनेगा एफ ओ एल एंड डब्ल्यू. और देख बी का जो सेट बनेगा वो भी यही बनेगा डब्ल्यू ओ एल एफ. क्या मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वल्स टू बी? Yes, sir. दोनों के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम है ही बट एलिमेंट्स भी सेम है खुद में. वहां भी डब्ल्यू ओ एल एफ ई था, यहाँ पे भी डब्ल्यू ओ एल एफ ई है, यानी कि ये दोनों बोले जा सकते हैं इक्वल से. करेक्ट बात है, समझ आई तेरे को? इक्विवेलेंट और इक्वल में फर्क समझ आया? Yes, sir. इक्विवेलेंट में तो सिर्फ नंबर से फर्क पड़ता है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं. इक्वल में फर्क इससे भी पड़ता है कि भैया एलिमेंट्स हैं क्या. यहाँ पे ए और बी क्यों इक्वल नहीं थे, यहाँ पे सिर्फ इक्विवेलेंट थे. यहाँ पे ए और बी इक्वल भी है और इक्विवेलेंट भी है दोनों. यस Can I wrap this? Yes, sir.
अब कुछ हम एग्जाम्पल्स लिख रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं, इसके अंदर कुछ कुछ सेट्स लिख रहे हैं, हमें ये बताना है कौन कौन से सेट्स इक्विवेलेंट है, कौन से इक्वल है, क्या क्या है इनके। चलो, इनकी सबके कुछ कुछ स्पेशियलिटी है। सबसे पहले तो ये देख ले सारे के सारे फाइनाइट सेट्स हैं कि नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन सकती है तो सब, सब फाइनाइट सेट्स। यस सर। ओके, अब हमें चेक करने हैं कौन इक्वल है, कौन इक्विवेलेंट है, क्या कोई नल सेट है, क्या कोई सिंगलटन सेट है, सब अपन को चेक करना है। एक और सेट लिखते हैं इसी के साथ लास्ट। Z का मतलब है बच्चा इंटीजर्स, और W का मतलब होल नंबर्स, N का मतलब नेचुरल नंबर्स। तो इंटीजर्स सब होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, न्यूट्रल इंटीजर हो गया 0, नेगेटिव इंटीजर्स हो गए -1, -2, -3, -4, सिमिलरली सो। सबसे पहले सारे सेट्स को लिख लो। जैसे लिख ले 6 के 6 सेट को, तब मेरे को बताइए, तब मैं तुझसे कुछ क्वेश्चन पूछूं। लिख ले तू। ठीक है, मतलब बना लिए तूने सेट रोस्टर फॉर्म में? नो सर, बना रहे हैं रोस्टर फॉर्म में बना लिया, सबके एलिमेंट्स को। उसके बाद मैं तुझसे क्वेश्चन पूछना शुरू करूँ, क्या क्या उनका आंसर आना चाहिए।
हो गए सर। चल चेक करना शुरू कर सकते हो। ए क्या है बता मुझे, ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं? कैपिटल ए लिखे स्मॉल ए लिखे, कोई दिक्कत नहीं है। सी भी सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स हैं? ये देखिए एक बच्चा है, मैं ऑडिबल हाँ अभी आ रही है तेरी बात। नहीं अभी नहीं आ रही तेरी बात। B012 अच्छा पहले ये देख B या C, B को देख, B हो X क्या है? इंटीजर नहीं, X इंटीजर है, B के बारे में बात कर रहे हैं। X इंटीजर है और X स्क्वायर माइनस 9 की वैल्यू 0 है, तो अगर इसको सॉल्व करेगी पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व कर, तो X स्क्वायर की वैल्यू बनेगी 9। तेरी आवाज कट जा रही है, कुछ प्रॉब्लम है। देख x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 3। यस सर। इंटीजर्स है तो प्लस 3 भी ले सकते हैं माइनस 3 भी ले सकते हैं, यानी कि इसके अंदर दो एलिमेंट। c की बता 012 करेक्ट बात है 012। d क्या होगा? सारे लेटर्स का सेट बनाना है जो लॉयल के LOYA E क्या होगा सर? E नहीं। ठीक है देख, इस इक्वेशन के रूट निकाल। x स्क्वायर प्लस 4x 0 है, x कॉमन ले सकती है यहां से, तो बन जाएगा x इनटू x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। यस सर। या तो x 0 होगा या तो x प्लस 4 0 होगा। अगर x प्लस 4 0 बोले तो x की वैल्यू माइनस 4, तो या तो x 0 हो सकता है या x माइनस 4 हो सकता है। यहां पे देख क्या दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है ना, जितना क्या इसमें से कोई भी नेचुरल नंबर है 0 या माइनस 4 में से, तो यहां पे देख के 0 और माइनस 4 हमारे x के आंसर आए, बट x था नेचुरल नंबर और क्योंकि x था नेचुरल नंबर इसीलिए हम कोई भी आंसर नहीं लेंगे, नहीं तो 0 नेचुरल नंबर है ना माइनस 4 नेचुरल नंबर है, यानी कि ये है एम्प्टी सेट या फिर 5। तेरे को ये बात समझ आई? यस सर। एफ को देख, एफ बनाते हैं, एफ का क्या आंसर आया? सर एक्स माइनस 3। अब चेक करें कौन से इक्वल हैं, इक्विवेलेंट हैं, क्या है इक्वल सेट्स बता। सबसे पहले तो नल सेट बता, नल एक शुरुआत से शुरू करो, नल सेट है क्या कोई यहाँ? यस सर। कौन सा? पी। क्या कोई सिंगलटन सेट है? सिंगलटन मतलब बोले तो एक ही एलिमेंट है उस। यस सर। कौन सा? एफ। क्या हमारे पास इक्विवेलेंट सेट है क्या यहाँ पे? इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, जैसे देख बी और एफ दोनों इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि बी के पास दो एलिमेंट है, एफ के पास एक ही एलिमेंट है। यस सर।
ऐसी सोचते हुए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दे, सी के पास तीन एलिमेंट है, ई के पास जीरो एलिमेंट है, ए के पास चार एलिमेंट है, डी के पास भी चार एलिमेंट है, तो क्या ए एंड डी इक्विवेलेंट नहीं हो गए? यस सर। तो अगर इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो वो हुए ए एंड डी। अब बात करते हैं इक्वल सेट्स, क्या हमारे पास कोई इक्वल सेट का पेयर बन रहा है? यस सर। कौन सा? ए एंड डी। तो यही हमें बताने थे रिलेशनशिप्स या सेट का टाइप्स, कौन सा सेट कैसा हो। यस बात करें तो नल सेट हुआ है, एक सिंगलटन सेट हुआ, इक्विवेलेंट सेट भी मिल गया, इक्वल सेट भी मिल गया। नोट करिए सारी चीजें फटाफट से, फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं। और जैसी हो जाए मेरे को इंफॉर्म। हो गया सर। तो आज आप एक और नई चीज पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक इज सबसेट। क्या होता है सबसेट? एक तो डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं। अ सेट बी, एक सेट बी इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ ए सेट बी इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ सेट ए। Subset of set A, if every element of B is also an element of set A, and we write it as A is a subset of B. हम इसे इस तरीके से लिखते हैं, A is a subset of B. ये subset का जो सिंबल है ये ऐसा है कुछ के C बना दो और C के साथ नीचे equals to का एक बार लगा दो सिर्फ। Yes sir. अब इसका मतलब समझते हैं एक बारी के subset actually कैसा होता है। मान ले पहले इससे पहले समझने से पहले कुछ और दो तीन डेफिनेशन सारी डेफिनेशन लिख लेते हैं। अब एक चीज होती है सुपरसेट, सबसेट और सुपरसेट एकदम ऑपोजिट है एक दूसरे के। अगर ए बी का सबसेट है, सॉरी, या बी ए का सबसेट है, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन A is the superset of B. और हम इस तरीके से लिखेंगे सुपरसेट को उल्टा, मतलब कि A is a superset of B. उल्टा करते हैं इस चीज को। और एक और चीज प्रॉपर सबसेट। अगर ए बी का सबसेट है, इफ या बी ए का सबसेट है, इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए एंड बी और ए बराबर नहीं, बी ए का सबसेट है बट बी और ए बराबर नहीं, देन B is called a proper subset of A. मुझे समझता है इसको। एक एग्जांपल लेके मैं तुझे दिखाता हूँ। तो सपोज A हमें एक सेट दिया गया और ए है टू थ्री फाइव
और कोई सेट दिया गया है बी, वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 ए के पास तीन एलिमेंट्स है 2 3 5 और ध्यान से देख जरा, ए के तीनों एलिमेंट्स बी के अंदर है। टू भी यहाँ पे, थ्री भी यहाँ पे, फाइव भी यहाँ पे। तो हम ये बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि ए बी का एक सबसेट है, इनफैक्ट ए बी का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि ए और बी बराबर भी नहीं है। इसको ऐसे ले, एज एवरी एलिमेंट ऑफ ए, as every element of A is in set B, there is present in set B. हर एलिमेंट A का B के अंदर आ रहा है, तो I can say that कि A हमारे पास B का subset. अच्छा, अगर proper subset होता है ना, अगर प्रॉपर सबसेट होता है तो उसमें हम इक्वल्स टू नहीं लगाते, नीचे वाला डंडा नहीं लगाते, ऐसे सब हम इसे ऐसे बोल सकते। यहां पे देख, ए और बी प्रॉपर सबसेट है, तो अगर हम ए और बी की बात करें तो सबसेट की बात उससे तो हमें ये समझ आया कि अगर ए बी का सबसेट है तो ए के सारे एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए। अगर एक भी एलिमेंट ए के अंदर ऐसा है ना जो बी में नहीं है, तो ए बी का सबसेट नहीं होगा। क्या ये बात समझ आई? ठीक है। दूसरी बात, अगर ए और बी, मतलब ए बी का यहाँ पे सबसेट है, बट ए और बी बराबर तो नहीं है, क्लियरली दिख रहा है ना आपको? यस सर। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं, इसको भी हटा दे, इट इंप्लाइज एंड, इसको एक बार और हटा दे, इसको ये बता के भी देखो, सारे के सारे एलिमेंट ए के बी के अंदर है एंड ए और बी बराबर भी नहीं है, इसका मतलब ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ। A is a proper subset of B. और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, A is a proper subset of B. एक और एग्जांपल, पहले समझ ले अच्छे से सेट सबसेट। मान ले A के पास 1, 2 और B के पास 2, 3, 5, क्या बच्चे A B का सबसेट है? इतना ए बी का सबसेट है कि नहीं? नो सर। क्यों नहीं है? नो सर। सर क्योंकि बी में 1 नहीं है। बी में 1 नहीं है, करेक्ट बात है, यही इस बात का रीजन देंगे हम। हाँ जी, आपकी बात भैया गलत है, बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि आपके पास ए के अंदर 1 है बट बी के अंदर 1 नहीं है। राइट इट एज, एज 1 belongs to A but 1 does not belong to B, it implies that A is not a subset of B. Correct baat hai? जैसे ही तेरा नोट हो जाए मेरे को बता दे, कुछ और एग्जांपल्स भी देना। हो गया। एक और एग्जांपल दे, मान ले ए के अंदर ये एलिमेंट्स लिखे हुए, 1 है, 2, 3 का एक सेट है एंड 4। अब मान ले तुझसे ये कहता है कोई, क्या ये करेक्ट है? ये काम हमने पहले भी किया था जब हमने उस दिन बिलोंग्स टू वाले क्वेश्चन लिखाए थे, 10-15 क्वेश्चंस किए थे ना हमने एक साथ। तो क्या ये करेक्ट है? पहले तू अपनी अंडरस्टैंडिंग से बता, क्या तेरे को ये करेक्ट लगता है ये जो लिखा हुआ है अभी?
2, 3 within brackets is a subset of A. No, sir. अगर belongs to होता तो ये correct था. Correct बात है एकदम. तो ये correct कैसे हो सकता है अभी? Sir, अगर ये voice crack हो गई, किसे बता? अगर ये बिल्कुल सही बात थी तेरी कि अगर ये belongs to होता तो हो जाता. क्यों? क्योंकि ये एक element है अभी तो, और कोई भी element subset नहीं बन सकता. एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है. एक एलिमेंट तो सेट को बच्चा बिलोंग करता है हमेशा. अगर हम इसे करेक्ट बताना चाहते थे तो हमें यह करना चाहिए था. एक और इसके बाहर ब्रैकेट लगा देते, बाहर ब्रैकेट लगा देते, यानी कि अब ये सेट बन गया है. आप ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं. दिस इज करेक्ट. बट अगर हम ये लिखते हैं, इनकरेक्ट. का रीजन भी लिख इनकरेक्ट. एज एन एलिमेंट ऑलवेज बिलोंग्स टू अ सेट. अ सेट कैन ओनली बी अ सबसेट ऑफ अनदर सेट. एक सेट ही किसी दूसरे सेट का सबसेट बन सकता है. ये सेट नहीं है अभी, एक एलिमेंट था सिंपल इसका. क्या बात तेरे को क्लियर है एकदम? चल तो फिर एक क्वेश्चन के आंसर दे. यस सर. एक सेट है ए जिसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स हैं, 3, 4, 5 विद इन ब्रैकेट्स एंड 6. नाउ स्टेट ट्रू और ट्रू एंड फॉल्स.
literal सारे cases and then tell me which one of these is true and which one of them पहले से स्टार्ट कर देना जैसे सर पहला फॉल्स बिल्कुल सही बात है पहला फॉल्स गुड सर दूसरा ट्रू ट्रू करेक्ट है ना थर्ड फॉल्स बिल्कुल सही है ना फिफ्थ फोर्थ ट्रू करेक्ट है ई गलत है फॉल्स है सर क्यों सर क्योंकि फी और ये ब्रैकेट एक साथ नहीं आते अलग अलग होते हैं ये या तो फी आएगा या फिर ब्रैकेट ये फाई है फाई एफ बता एफ ट्रू सर सर जी फॉल्स है क्यों फॉल्स है चलिए को आ गई ये बात समझ बता दो कोई दिक्कत वाली बात सर क्योंकि ये फोर्थ और फिफ्थ अलग अलग एलिमेंट हैं ये अगर ये अलग ब्रैकेट में होता फिर तो ठीक था एकदम सही बात है एच एच करेक्ट है सर आई कॉमा सिक्स सर ट्रू है कर लिया फटाफट नोटिस फिर आगे बढ़े लिख गया सारा यस सर तो ये हुआ सबसेट और प्रॉपर सबसेट का चलता है अब एक बात और समझ चलो क्या यस सर अगर हमें सपोज टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हैं अब हम सबसेट्स देखेंगे कौन कौन से सबसेट्स होते हैं ये तो हमने देख लिया कि भैया सबसेट्स क्या होता है अगर हमें किसी सेट के लिए सबसेट्स लिखने हो तो कैसे होते हैं ये देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए कंटेनिंग एन एलिमेंट्स मान ले कोई सेट है ए जिसके पास एन एलिमेंट्स है तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे ना वो होंगे टू की पावर एन ये फॉर्मूला बनता है मैं आगे तुझे सिखाऊंगा भी ये फॉर्मूला कहां से बनता है तेरा चैप्टर भी आएगा टू की पावर एन कैसे बनता है वैसे बट ये तेरे काम का है नहीं उतना ये साइंस वाइंस वाले बच्चों को तो ज्यादा पढ़ना पड़ता है उन्हें तो इसमें और भी चीजें पढ़ाई जाती है बट तेरे को तो बस इतना समझना है कि अगर हमारा कोई सबसेट है और अगर हमारा कोई सेट है जिसके पास n एलिमेंट्स हैं तो वो उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n हो जाएंगे और मान ले उससे ये पूछा ये भी पूछ सकते हैं कि भैया टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बताओ इसी केस में कि भैया इस सेट कोई सेट ए है उसके पास एन एलिमेंट्स है तो उसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे तो वो होंगे टू की पावर एन एक घटा दे बस जितने टोटल सबसेट्स आएंगे उसमें से एक घटा दे इतने प्रॉपर सबसेट अब आ जा पहले तो एक क्वेश्चन से ये समझते हैं कि भैया सबसेट लिखे कैसे जाए हमें एक सेट दिया गया हमें उसके सारे के सारे सबसेट सर ए इज इक्वल टू करली ब्रैकेट स्टार्ट वन एंड टू ए इज इक्वल टू टू एंड थ्री एंड ए इज इक्वल टू थ्री एंड वन ठीक है और
सर पहले 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 एक बात एक एक एक, एक मेरी बात सुन, ए के अंदर कितने एलिमेंट्स? 1 2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 सर। तो इसके सबसेट कितने बनने चाहिए? 4 2 की पावर 3 हमने ऊपर टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जो है मान ले किसी सेट के। अब मैं तेरे से यहाँ पे क्वेश्चन अभी तो ये पूछा गया कि भैया सारे सबसेट लिख के दिखा दे, ये लिख के दिखाएगी तो फिर तो तू समझ जाएगी बात को, वो तो अलग बात है। और उससे पहले ये देख ले कि लिखने कितने हैं सबसेट, लिखने इतने हैं जितने इसके टोटल सबसेट होंगे। और ये देख ऊपर जो हमने लिखा हुआ है कि अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो इसका जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो हो जाएंगे 2 की पावर 3 यानी कि 8। यस समझ आए तेरे को ये बात? यस सर। ठीक है, अब मैं पूछता हूँ टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट बता दे कितने होंगे। एक घटा देते हैं बस सबसेट। यस 7। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कौन कौन से सबसेट्स हैं, कौन से प्रॉपर सबसेट। अब ऐसे समझ इस बात को कि भाई देख जो ए का सबसेट होगा उसके अंदर 1 2 3 के ही एलिमेंट होंगे। यस सर। और बाहर से तो कोई एलिमेंट उसके अंदर हो नहीं सकता क्योंकि अगर बाहर से कोई भी एलिमेंट हुआ तो वो तो सबसेट बन नहीं पाएगा। यस सर। अब इसके सबसेट में जो जो भी एलिमेंट होंगे या तो इसका सबसेट 5 सबका सबसेट होता है, एक बात हो गया। Yes, ये ऊपर लिख दे 5 या 5 को हम ऐसे भी लिख देते हैं, इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव और दिस सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो अब मान ले मैं इसके सबसेट लिखना चाहूँ, तो इसकी सबसेट जो बन रहे हैं ना, एक तो 5 हो गया, 5 तो सबका ही सबसेट है। 5 का मतलब हमने तीनों में से एक भी एलिमेंट ले लिया, या मान ले मैं एक एक एलिमेंट ले लूं, यस सर, को ले लूं, ये भी तो इसका सबसेट है, या फिर ये बना दूं 2, ये भी इसका सबसेट है, देख ध्यान से, ये भी इसका सबसेट है। तो या तो मैंने तीन में से कोई भी एलिमेंट ले लिया तो 5 बन गया, इन तीन में से कोई सा भी एक एक एलिमेंट ले लिया तो बन गया 1 या तो 2 या तो 3। या मान ले मैं दो दो एलिमेंट उठा लूं इसमें से, 1, 2 ले सकता हूं, ये भी इसका सबसेट ही है। यस सर। 1, 3 ले लूं, ये भी इसका सबसेट है, और 2, 3 ले लूं, ये भी इसका सबसेट है। कितने हो गए? 7 सर। सर 8 तो 8 सबसेट बने, देखो 8 हो गया, चेक कर ले इसके सबसेट, 5 तो सबका है, 5 को तो अलग हटा दो, 1 अकेला इसका सबसेट है, 2 अकेला इसका सबसेट है, 3 अकेला इसका सबसेट है, 1, 2 भी, 1, 3 भी, 2, 3 भी, और 1, 2, 3। इसमें से जो ये एक सेट है ना, ये वाला, ये देख इसका सबसेट तो है पर ये इसके इक्वल भी तो है। Yes, sir. तो ये प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, इसी को हटाया हमने यहाँ पे जो 7 लिखे थे ना प्रॉपर सबसेट। Yes, वो ऐसी हर बार हम एक सेट हटा देते हैं, जब सारे सबसेट लिख लेते हैं उसमें से एक हटा देते हैं, क्योंकि वो जो एक सेट आता है इसका इक्वल सेट, वो भी सबसेट तो होता है पर वो इक्वल होता है, इसलिए उसे प्रॉपर सबसेट नहीं बोला जाएगा। Yes, sir. तो ये बात समझ आई पिछली बात है? Yes, sir. तो कुछ बातों के जवाब से पहला जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, दूसरा क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट,
तीसरा क्वेश्चन, चलिए सारे के सारे सब्जेक्ट लिख के दिखा दो, चलिए और भी काम, फर्स्ट और सेकंड का आंसर तो सीधा सीधा दे दो। सर टोटल नंबर ऑफ सेट सबसेट 8 सर। करेक्ट है। और सबसेट 7। करेक्ट है। और क्लिक के हम दिखा बता रहे हैं। हो गया सर। बोलते चले जा फिर बता। पहला 5। करेक्ट है। दूसरा 2। तीसरा 3-4। 3-4 पे दो ब्रैकेट क्या सर? 3-4 पे दो ब्रैकेट, ये ध्यान रखना। यस मैं लिखता जा रहा हूँ सर। सर ABC पे भी दो ब्रैकेट। करेक्ट बात है सर। 2 और 3-4। 2 और 3-4 साथ साथ। यस सर। याद रख के 3-4 को ब्रैकेट करेगा। यस सर। और 3-4 और ABC डबल 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 ब्रैकेट। ठीक है सर। ABC और 2 डबल ब्रैकेट सर। और एक ये खुद ही कंप्लीट। और वो जो खुद बनेगा वो होगा सबसे, और ये सारे के सारे होंगे प्रॉपर सर। यस सर। अगर इनका सबका सेट बना देना, एक और बात, अगर इन सब को जो भी इसके सबसेट बने, और एक और आएगा वो आएगा ये प्रतिशत। और बच्चा हम इन सब को भी सेट के अंदर लिख दे तो ये बोला जाता है पावर सेट। अब इसको लिखवा देते हैं, पहले नोट कर लिया था, कर लिया सारा नोट, इसको भी कर लिया होगा। यस सर। अब एक चीज और लिखिए आपको, चीज पावर सेट, द सेट ऑफ ऑल द सबसेट। जितने भी तुमने सबसेट्स लिखे थे अभी, अगर उन सबका एक सेट बना दे खुद में, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट। यस सर। तो उसको हम पावर सेट लिखते हैं। Yes, sir. It's power set of A, and we write it as PA, power set of A.
और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट कितने होंगे? अगर ए के पास एन एलिमेंट्स हैं तो पावर सेट के कितने एलिमेंट्स होंगे? पी एलिमेंट्स, क्यू एलिमेंट्स। भाई पावर सेट क्या है? सारे के सारे सबसेट्स का ही तो सेट है। यस मैम। तो जितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं उतने ही पावर सेट के एलिमेंट्स हो सकते हैं, क्यों? यस। टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हो सकते हैं तो पावर क्यों? मुझे जैसे मान ले एक एग्जांपल में तुझे छोटा सा देकर दिखा देता हूँ। मान ले 1.2 कोई सेट लिखा हुआ और बोला गया तो इससे राइट पावर सेट ऑफ ए ऐसा बोल देंगे। तो पावर सेट ऑफ ए कैसे लिखे? पहले सेट से शुरू कर दे इसको। अब फाइव आएगा इसके अकेला, वन आएगा इसके अंदर अकेला, टू आएगा इसके अंदर और 1.2 आएगा इसके अंदर। पूरे को पूरे चारों के चारों सेट्स को अंदर ही डाल दे सेट में, ये हो जाएगा पावर सेट। पावर सेट के एलिमेंट्स देख कितने हैं, कितने इसके सबसेट, कितने हो सकते थे इसके सबसेट? 2 की पावर 2 हो सकते थे। यस सर। बात आई तेरे को? सब बात आई तेरे को समझ में? यस सर। यस सर। तो अब मुझे लगता है कि हमने इंसान की तीन एक्सरसाइज तक शॉर्ट हो और तीन एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। yes, अब से आगे काम करेंगे नेक्स्ट क्लास। इससे आगे का जो पोर्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये तो बड़ा इजी इजी पोर्शन था। अब आएगा हमारा थोड़ा सा टफ पोर्शन, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। नेक्स्ट क्लास बढ़िया कर रही है, बस सवाल लगाते रहो। असाइनमेंट मिला तेरे को? No, sir. मिलेगा।